तो देखो यार, आज की वीडियो हम उस बंदे के बारे में बात करने वाले हैं जिस बंदे को ऐसा लगता है कि वो एक YouTube पे फनी रोस्टर है, बट ये बात अलग है कि वो फनी रोस्टिंग के नाम पे सिर्फ और सिर्फ अनफनी जोक्स मारता है। एंड मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उसको लगता है फनी यूट्यूबर है, उसकी ऑडियंस को ऐसा बेसिकली लगता है कि वो काफी ज्यादा फनी रोस्टर है। अब देखो यार, तुम्हें अभी पता होगा कि इस बंदे का भी आर होना भी स्टार्ट हो रखा है कि इसकी वीडियो को यूट्यूब डिमोनिटाइज कर देता है। अब देखो यार, जैसे तुमने पास्ट टाइम में कर्म करे उस हिसाब से तुम्हें अभी का फल मिल रहा है। एंड देखो यार, इसीलिए कहता है ना कि कर्म इज अ रिच बॉय। एंड आई थिंक अब ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा अच्छे से बॉय। तो देखो यार, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं क्रेजी दीप के बारे में। एंड बंदे ने भी ट्वीट करा था MC Stan के लिए कि MC Stan छपरी है एंड उसकी जो ऑडियंस है बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, कोई इसलिए नहीं बोलता क्योंकि उसको बहुत ज्यादा हेट मिलेगी। तो देखो यार, MC Stan हमारी हिप हॉप कम्युनिटी का बंदा है, तो यार वीडियो बनानी तो इस चीज के ऊपर पे बनती है। अब देखो यार, इस बंदे के ऊपर पे मैं भी पहले से वीडियो बनाना चाह रहा था क्योंकि देखो यार, इसने पास्ट टाइम में MMA वर्सेस कृष्णा की कॉन्ट्रोवर्सी में कृष्णा के ऊपर पे वीडियो बनाई थी, रोस्ट वीडियो। एंड मैं चाह रहा था उस टाइम पे वीडियो बनाऊं, बट मैंने सोचा क्यों इस मैटर को बढ़ाया जाए ज्यादा। बट देखो यार, इस वीडियो के अंदर हमें इस बंदे के बारे में बात करनी पड़ेगी। अब ये वही बंदा है जो बंदा अपने अनफनी जोक्स मार के अपने आप को फनी समझता है। अब देखो यार, ये वही बंदा है जो कि जोगिंदर के डिस्ट्रैक को क्रिटिसाइज करता है, लेकिन जब इसके तुम खुद के रैप सॉन्ग सुन लोगे तब तुम्हें पता चलेगा यार इसमें और जोगिंदर में कोई अंतर ही नहीं। और इतना ही नहीं, ये वही बंदा है जो कि MMA वर्सेस कृष्णा की जब कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी उस टाइम पे कृष्णा को रोस्ट किया था, कृष्णा को क्रिटिसाइज किया था जस्ट बिकॉज इसे MMA के फैंस की तरफ से सपोर्ट मिले। जी हाँ, ये वही बंदा है जब कृष्णा वर्सेस MMA की कॉन्ट्रोवर्सी में इसने वीडियो बनाई थी तो उस वीडियो का कमेंट सेक्शन ऑफ कर लिया था एंड अपने आपको बहुत महान सोच रहा था। जी हाँ, ये वही बंदा है जो कि कृष्णा वर्सेस MMA की कॉन्ट्रोवर्सी में वीडियो बनाने के बाद अपने थंबनेल के ऊपर पे सिर्फ और सिर्फ कृष्णा की फोटो लगाई थी एंड बाद में उसने वहां पे MMA की फोटो लगा दी ताकि इसकी जो ऑडियंस है उसको ऐसा लगे कि ये बंदा किसी भी एक बंदे की तरफ बायस्ड होकर अपनी वीडियो नहीं बना रहा। अब देखो यार, अभी के टाइम पे इस बंदे ने खुद बोला था कि इसका YouTube डिमोनेटाइज कर रहा है वीडियोस वगैरह वगैरह, तो अभी के टाइम पे बस एक ही मस्त और ट्रेंडिंग टॉपिक है, वो है बिग बॉस को रोस्ट करना। अब देखो यार, इस बंदे ने बहुत ज्यादा स्मार्टली मूव खेला। वो कैसे? तो पहले इस बंदे ने ट्वीट करा था कि इसको जो ऑडियंस है MC Stan की वो पहले आगे हेट दे एंड उसके बाद ये वीडियो बनाएगा बिग बॉस रोस्ट के ऊपर पे जहां ये MC Stan को रोस्ट करेगा एंड जहां इसको दोबारा से MC Stan की ऑडियंस की तरफ से हेट मिलने वाली है एंड उसके बाद फिर बोलेगा कि जो हिप हॉप की ऑडियंस है बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। एंड देखो यार, क्रेजी भाई, अगर तुम इस वीडियो को देखो, पता है नहीं देखने वाले, बट अगर तुम कभी भी देखो इस वीडियो को तो एक बात समझ लो, अगर तुम्हें MC Stan से प्रॉब्लम है तो तुम MC Stan को सुन ही गिरे हो। सिंपल सी चीज है एंड सिंपल सा सॉल्यूशन भी यही है कि तुम MC Stan को सुनना बंद कर दो, उसके गाने एंड उसको बिग बॉस पे देखना बंद कर दो। अगर तुम्हें सचमुच में MC Stan से प्रॉब्लम है या फिर अगर तुम क्लाउड चीजिंग करके या फिर अपने डूबते चैनल को बचाने के लिए सब हरकतें कर रहे हो तो भाई यार सुधर जाओ, वरना बहुत गंदी तरह से तुम लपेटे जाओगे। अब देखो यार, ये ऐसी एडवाइस मैं इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि देखो यार, भले मेरे 1000 सब्सक्राइबर लेकिन मैं इसी कम्युनिटी का बंदा हूँ एंड मैंने इस कम्युनिटी को काफी टाइम पहले से फॉलो कर रखा है, तो मुझे पता है यहाँ की ऑडियंस किस लेवल की है। एंड अगर तुम इस कम्युनिटी के बंदे नहीं हो एंड इस कम्युनिटी के किसी भी बंदे के बारे में बोल रहे हो तो तुम बहुत गंदी तरह से लपेटे जाओगे। एंड अगर आज की डेट की बात करी जाए तो आज की डेट में MC Stan को हर कोई सपोर्ट करे, चाहे वो कृष्णा के फैंस हो, MMA के फैंस हो एंड डिवाइन के फैन हो, इक्का के फैन हो, आज की डेट में पूरी जो कम्युनिटी है हिप हॉप कम्युनिटी वो सपोर्ट कर रही है MC Stan को। अब देखो यार, जो वीडियो तुमने रोस्ट वीडियो निकाली थी कृष्णा के ऊपर पे, तो तुमने उसके अंदर काफी बार बोला कि मैंने अपना ओपिनियन दिया तो कृष्णा के फैंस की जली। तो देखो यार, उसी तरह मैं भी तुमको यही बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को मेरे बनाने का पर्सपेक्टिव यही था कि मैं अपना ओपिनियन दूँ एंड मैं अपना ओपिनियन दिया तो तुम्हारी भी जी जलने वाली है। सो कर्मा बोल। तो देखो यार, फाइनली चैनल के ऊपर पे 1000 सब्सक्राइबर इनके 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं एंड मुझे लगा नहीं था कि 19 अक्टूबर से पहले हो पाएगा। अभी यार कुछ टाइम पहले 800 के करीब सब्सक्राइबर थे एंड उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट भी करी थी तुमसे कि तुम जरूर से कर देना एंड 19 तारीख को मेरा बर्थडे था तो उससे पहले यार तुमने कर दिया। मतलब अब देखो यार, तुम ऑडियंस ने जिस तरह से प्यार दिखाया तो भाई यार मेरे पे शब्द नहीं बचे हुए हैं तुम लोग को बताने के लिए, बोलने के लिए। एंड यही कहूँगा बस कि यार थैंक यू। अभी तो देखो यार, सिर्फ 1K की फैमिली कंप्लीट करी है, अभी 1K करा है एंड बाद में चल के 100K की भी फैमिली कंप्लीट करनी है। तब तक के लिए देखो यार, अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दो एंड कमेंट करके बताना तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुम क्या सोचते हो क्रेजी दीप के बारे में, इस ट्वीट के बारे में। एंड अगर तुम में से मेरे से कोई बात करना चाहता है इस टॉपिक के ऊपर पे भी या फिर ऐसे भी, तो मेरे इंस्टाग्राम की तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तुम मेरे को फॉलो कर सकते हो, मेरे को वहाँ पे बात कर सकते हो। एंड तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।